हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो थोड़ा लेट से हो रहा, और आज ही नहीं डेली लेट हो जाता है, क्योंकि मेरी काबू भुटिया की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए किस तरह से लेटी हुई है, और इसको उल्टी दस्तनी बंद हो रहा है। ये देखिए, आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए कितनी सारी दवाइयाँ इसके पापा लेकर आए, लेकिन इसकी इससे आराम नहीं हो रहा। ये सारी दवाइयाँ सारी रखी हुई था, तो मैंने इधर रख दिया है और आराम नहीं हो रहा है। तो मैं किसी तरह से घर के सारे काम वगैरह करके खाना वाना बना के तो अब वीडियो चालू कर रही हूँ। और मेरी काली कुटिया देखिए कैसे लेटी हुई है, और आप सबको दिखा दूँ, आज मैंने घर में पोछा भी नहीं लगाया है। मेरा किचन ऐसे ही पड़ा है, क्या करूँ फ्रेंड, बहुत परेशान हो जाते। ये देखिए आटा वगैरह भी ऐसे ही लगा, मैंने आज पोछा नहीं लगाया है। मैं बहुत थक जाती हूँ फ्रेंड्स, क्या करूँ। ऐसा कल देखिए मेरा कोई नहीं फ्रेंड, मेरी बेटी ठीक हो जाए, शक्ल भी बन जाएगी, मुझे कोई वो नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको को दिखा दूँ, मैंने अभी कपड़े सुबह 10-11 बजे तक धुला था, और मेरा कपड़ा अभी ऐसे ही डाला हुआ है। मैंने छत पे भी नहीं लेकर गई, अब मैं सोच रही हूँ जाऊँगी तो काबू जग जाएगी, फिर रोएगी, तो यही सोच रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैं जा रही हूँ, अभी सो रही है तो डाल आऊँ, नहीं तो बदबू आएगी, क्योंकि उल्टी वगैरह करती है तो बदबू आने लगती है। अभी वो सोई हुई है, ऐसे पड़ी रहती है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से कपड़े डालती हूँ, नहीं तो फिर सूखेगा नहीं, तो फिर और बदबू आएगी। और अभी काबू के पापा आए भी दुकान से, 2 बज गए, और मेरा वीडियो आज 2 बजे से चालू हो रहा है, क्या करूँ फ्रेंड्स, बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई सूट करने वाला भी नहीं है, अकेले ही सूट करना पड़ता है, इससे और दिक्कत पड़ती है। तो फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ फ्रेंड्स। कुछ कुछ कपड़े यहाँ पर मैंने कल ही डाल दिए थे रात में धुल के, जब पानी आया था, तो मैं इसको भी उतार लेती हूँ और इसको भी लेकर चलती हूँ ऊपर ही डाल देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत बदबू दूर हो जाएगी इसकी भी। और मैं इधर का दरवाजा, इधर ये सामने वाला गेट लगा दूंगी, नहीं तो कुत्ता वगैरह कुछ भी आ जा सकता है। मेरी काबू बिटिया भी सो रही है, फिर फटाफट से कपड़े डाल आती हूँ। ये ऊपर का फ्लॉप है फ्रेंड्स, और ये देखिए ऊपर का ये सब टूटा फूटा है। मकान मालिक ये भी नहीं कहता फ्रेंड्स कि ठीक करवा दे। पर तो फ्रेंड्स बादल भी है, धूप भी है, ये देखिए चारों तरफ।
और मैंने फ्रेंड्स कपड़े डाल दिए हैं, ये देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए। और बहुत तेज़ धूप लग रही है फ्रेंड, और उधर बादल भी हो रहा है, ये देखिए इस साइड में। तो काबू को अकेले नीचे छोड़ आई हूँ, तो फटाफट से नीचे चलती हूँ, नहीं तो उठेगी तो उल्टी करेगी या रोएगी। और मैं दरवाज़ा लगा दूँ क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड कोई नहीं है ऊपर। ऊपर कोई नहीं है, ये लोग गए हुए हैं, देखिए ताला लगा है, ये लोग गए हुए हैं उनका, ये ऊपर वाले प्लॉट में ये लोग मुसलमान रहते हैं। तो कल उन लोग का मुहर्रम था, तो ये लोग वहीं गए हुए हैं। पर मैं गेट खोल देती हूँ, और मेरी काको देखिए अभी भी सो रही है। अभी भी सोई हुई है फ्रेंड्स। तो यही सब फ्रेंड्स, क्या करें, अकेले अकेला इंसान इंसान नहीं होता, दो चार के बीच में रहो तो अच्छा लगता है। कोई कुछ काम कर ले, कोई कुछ कर ले, दिन भर बैठ कर बातें वगैरह काम करते रहो, कर बातें वगैरह होती रहती है, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं फ्रेंड बहुत बड़ी फैमिली में थी, लेकिन अब मुझे यहाँ अकेला ही रहना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूँ, मजबूरी में रहना पड़ता है। काबू जगती है तो उसके साथ दिन भर मस्ती वगैरह बोला बात किया करती हूँ, बोलती रहती हूँ दिन भर, इधर उधर दौड़ती रहती है तो चिल्लाती रहती हूँ, तो टाइम पास हो जाता है। और काम वगैरह करती रहती हूँ, इससे और भी टाइम पास हो जाता है। लेकिन कब तक इसी में रहो फ्रेंड्स, कुछ समझ में नहीं आता। और जब ये सो जाती है तब मुझे बहुत अकेलापन रहने होता है, महसूस होता है। और मैं क्या करे फ्रेंड्स, और हमारे इधर आज बारिश नहीं हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, क्या कहें। अभी आप लोगों ने देखा कितना तेज धूप था, और उधर बादल भी हो रही है। थकान से आज इतना जमाई आ रहा है, क्या करें, आज बहुत थक गए फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको बता दूं, 6 रात में 2 बजे सोई थी, और 2 बजे सोई थी, 2 बजे के बाद में 2, 3, 4, 5 बजे उठ गई, 3-4 घंटे मुश्किल से सोया मैंने। और जैसे 5 बजे उठी, काबू ने उल्टी किया, दस्त किया, उसको साफ किया, फिर बर्तन धुली। बर्तन फ्रेंड्स मैं शाम को ही धुल लेती थी, लेकिन अब नहीं धुलती हूँ क्योंकि काबू देर रात तक जागती रहती है और बहुत परेशान कर देती है। पापा भी आ जाते हैं, तब भी उनके पास भी ज़्यादा देर नहीं रुकती, तो इसलिए मैं शाम को पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और सुबह उठ के बर्तन धोती हूँ। तो बर्तन धोली, फिर उसके बाद में नहा, गलियारा साफ किया। रात में हल्का फुल्का बारिश हो गया था, तो ऊपर से पानी टपकता है तो सारा गलियारा गंदा हो जाता है, तो मैंने गलियारा साफ किया। फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह धुले, फिर नहाई, नहा के पूजा किया,
फिर काबू पलटी कर दी उसको सर किया, बहुत परेशान कर हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, जैसे सुबह से गाड़ी नहीं चलती है शाम तक चलती रहती है, ऐसे ही मेरा ही जिंदगी है, सुबह उठो चलते रहो शाम को, रात में भी 8-9-10 तक सो जाओ तब भी नींद पूरा हो जाए, लेकिन तब भी नहीं पूरा होता, ये सब फ्रेंड्स है जिंदगी मेरी, लेकिन कोई नहीं, मैं इसी में खुश हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जो लड़ाई झगड़े ये सब पसंद नहीं थे, और मुझे वैसा ही है, मैं कुछ लड़ाई झगड़े मेरे घर में नहीं होते, मैं आराम से मर्जी जो बनाऊँ खाऊँ, मर्जी जो काम करूँ, कोई कहने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला है, और ना कोई लड़ने वाला है, बस आराम से रहो, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को घर में काम करना पड़ता है, लड़कों को बाहर कमाना पड़ता है, बस ये सब फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग को यहीं पर रखती हूँ, मेरी जिंदगी की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और आप सबका प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें और मुझे आगे बढ़ाएं, और मुझे जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दें, क्योंकि मैं भी मेरी भी कुछ हेल्प मिले, और आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरी काबू बिटिया ठीक हो जाए, देखिए कैसे पड़ी हुई है, पता नहीं इसका पेट वगैरह दुखता है क्या होता है, दवाई वगैरह पिलाओ तब भी नहीं सही होता है, देखिए कैसे लेटी हुई है, समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।